सर कान पे फोन लगा के बातें करके पड़ा इधर उधर गाड़ियां घुमाया पड़ा। जो छोटी सी नॉलेज मेरे पास है मैं आप लोगों को देता हूँ। हमारे केदारनाथ से नॉर्थ ईस्ट के सफर में ना नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पंकज भाटिया और आज हम लोग यहाँ से बाबा केदार के दर्शन करके अपनी राइड को स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग निकल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए और आप लोगों ने बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सी जगह दिखानी है, तो वो सब जगह दिखाने के लिए हम लोगों को बाबा केदार का आशीर्वाद चाहिए था। हम लोग यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की राइड स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग घर से चल के बाबा केदार के दर्शन के लिए यहाँ तक आए थे, और अगर नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए। फिलहाल मैं यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ। नीचे उतरने का कुछ भी वीडियो नहीं शूट करने वाला क्योंकि ऑलमोस्ट सेम रास्ता है, सब कुछ वही देखने को मिलेगा जो पिछले वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो मैं सीधे मिलूँगा आप लोगों से गौरीकुंड में और फिर वहाँ से हम लोग अपनी राइड को अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो बाबा का आशीर्वाद तो हम ले चुके हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ और क्या क्या प्लान्स रहेंगे वो सब मैं आप लोगों को रास्ते में ही बताऊंगा। कल जब हम लोग मोटो व्लॉग कर रहे होंगे, मतलब अभी थोड़ी देर बाद जब हम मोटो व्लॉग कर रहे होंगे, तो उसमें मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं और क्या क्या दिखाने वाला हूँ मैं आप लोगों को इस राइड पर। वहाँ दूर मंदिर है और ये लाइन देखो भाई कितनी लंबी लाइन लगी है, नीचे पूरे सीढ़ियों के नीचे तक जा रही है लाइन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस, कल केदारनाथ से चल के हम लोग यहाँ सोनप्रयाग आके रुक गए थे। यहाँ पार्किंग में ना एक भंडारा चल रहा है इस जगह पे और ये है पांचवा विशाल भंडारा जो कि 23 अप्रैल से 25 मई तक चल रहा है। ये चल रहा है श्री शिव कृपा सेवा मंडल रजिस्टर दिल्ली की तरफ से और इनके ना भंडारे यहाँ पर हर साल चलते हैं, मतलब 5 साल से अभी लगातार चल रहा है। और जब आप अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ पर भी इनके भंडारे चल रहे होते हैं। हम लोग यहाँ पर आके रुक गए थे इस जगह पर, यहाँ पर रात में बेड लगा दिए गए थे और इसी में हम लोग सो गए थे। और इस तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ भंडारा चल रहा है, अभी सुबह का नाश्ता लगा हुआ है। थोड़ी देर पहले चाय का नाश्ता चल रहा था और अभी पूड़ी चावल ये सब चीज़ें मिल रही हैं। और सवेरे 5 बजे चाय बिस्कुट रख के साथ शुरू हो जाता है, 6:30 बजे आलू की सब्जी पूड़ी कढ़ी चावल चालू हो जाता है। उसके बाद ये सारा दिन चलता है, सवेरे 5 बजे लेकर रात के 11 बजे 12 बजे 1 बजे जब तक यात्री आएंगे उसको सामान मिलता रहेगा, कोई यहाँ से भूखा नहीं जाएगा। और जिस यात्री को जो सहूलत चाहिए वो यहाँ पर है, रहना हो करना हो रहने की जगह चाय पानी जो इच्छा हो, किसी को फीकी चाय चाहिए वो फीकी चाय भी मिल जाएगी। इसके अलावा भी इस भंडारे के बाद 1 महीने फिर सेवा मंडल अमरनाथ में गुफा के ऊपर नीचे बाइटल में भी चलता है। भैया बताइए, हमारा बेस कैंप, अच्छा बाइटल में बेस कैंप है, बाइटल में हमारा बेस कैंप है जो रोज 10 घोड़े हमारे ऊपर जाते हैं। और गुफा के बिल्कुल पहला भंडारा दिल्ली का भंडारा है, उसके साथ किसी भी यात्री को किसी भी तरह की कोई भी सुविधा चाहिए हो उपलब्ध कराना, कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए किसी भी यात्री को, यही हमारा संकल्प है पूरे संस्था का। चलो यार चले, ये लोग तो ये रुके, हमें तो निकलना है। क्यों हम लोग निकल रहे हैं भाई, फिर मिलते हैं हल्द्वानी में, कभी आओ हमारे हल्द्वानी। कैसी धाम है ना, बड़ा प्यारी जगह है, कैसी धाम। तो अपनी सवारी बढ़ चली है आगे। अपने कुछ भाई भाई थे यहाँ पर रुके हुए तो उनसे विदा ले लिया है और हम जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की साइड और वो लोग घूमेंगे उत्तराखंड। अगर आपको उत्तराखंड के व्लॉग देखने हैं तो उनके चैनल पर जाइए और नॉर्थ ईस्ट के देखने तो हमारे चैनल पर बने रहिए। भैया ओ भाई कान पे फोन लगा के बाद में कर रहा हूँ, बाद में किया करो, रुक ना बे। सर कान पे फोन लगा के बातें करके पड़ा इधर उधर गाड़ियां घुमाया पड़ा, निकलने की जगह नहीं दे रहा है पिछले आधे घंटे से। कान में फोन लगा रहे, स्टीयरिंग ऐसे ऐसे कर रहा है। हाँ चलो चलो भाई, कार वाले ना कान पे फोन लगा के इधर उधर गाड़ी मोड़े पड़ा था, इधर से उधर उधर से इधर, और हम हॉर्न दे रहे निकालने नहीं दे रहा था, इसलिए हमने कैमरा ऑन किया, हम उसे रिकॉर्ड करने लगे और बोला हमने उसे रुकने के, साला भाग गया आगे गाड़ी लेके। दोस्तों हम लोग पहुंच गए रुद्रप्रयाग और यहाँ पर ना अलकनंदा नदी जो कि उस तरफ है और मंदाकिनी नदी जिसमें का पानी इस वक्त बहुत कम आ रहा है, दोनों यहाँ पर मिलके आगे के लिए बढ़ती हैं और आगे देवप्रयाग में जाकर ना इनका दोबारा संगम होगा, वहाँ के बारे में वहाँ आगे चल के बताऊंगा आप लोगों को। फिलहाल यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और सेल्फीज वगैरह ले रहे हैं, फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे हैं। अभी निखिल भाई को मैं यहीं पर आगे ड्रॉप कर दूंगा, बस स्टैंड पर किसी बस से बैठा देंगे इनको और फिर मैं अकेला अपने सफर को कंटिन्यू करूँगा। चलो भाई, निखिल भैया को हमने बैठा दिया एक टैक्सी में और हम निकल रहे हैं आगे रुद्रप्रयाग से। 5:30 बजे का आसपास का टाइम हो गया और यहाँ से 100
कुछ किलोमीटर है, मतलब 150-160 किलोमीटर के आसपास है हरिद्वार, तो टाइम तो लगेगा अच्छा खासा। लेकिन अब हम थोड़ा सा तेजी से जा सकते हैं क्योंकि पीछे निखिल भैया नहीं है, निखिल भैया बैठे हुए थे ना तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा था गाड़ी चलाने में, क्योंकि आदत हो चुकी है सिंगल पर्सन पे गाड़ी चलाने की, कोई पीछे बैठा होता ना मेरे को बिल्कुल अजीब सा लगता है भाई। तो हम लोग पहुंच चुके हैं माँ धारी देवी टेम्पल, यहाँ पर मैं रुक नहीं रहा क्योंकि मेरे को हरिद्वार पहुंचना है ताकि मैं निखिल भाई के साथ साथ ही हरिद्वार तक पहुंच जाऊँ। आगे से आप लोगों को टेम्पल जरूर दिखा देता हूँ, पर ये देखिए नीचे है माँ धारी देवी टेम्पल। इनके बारे में बात करते हैं, इनके बारे में खैर मैं कोई होता नहीं बात करने वाला, लेकिन फिर भी जो छोटी सी नॉलेज मेरे पास है मैं आप लोगों को दे देता हूँ। माँ धारी देवी के बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ की कुलदेवी है और जो 2013 की आपदा आई थी ना केदारनाथ में, वो इनके नाराज होने से ही, इनके प्रकोप से आई थी। ऐसा माना जाता है कि इनको इनके स्थान से थोड़ा ऊपर उठाया जा रहा था, आगे एक डैम बनाया जिस वजह से यहाँ का लेवल पानी का बढ़ गया, इनका जो मंदिर है उसको थोड़ा सा ऊपर किया जा रहा था, तो उसकी वजह से इनको यहाँ पर से हटा के दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया, जिस वजह से क्रोधित हो गई और उसी वजह से 2013 की आपदा आई थी। हमारे केदारनाथ से नॉर्थ ईस्ट के सफर में ना हम लोग सिक्किम, असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और जो भी स्टेट उस साइड में पड़ते हैं ना, अगर मैं कहीं कोई स्टेट छोड़ रहा हूँ तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा मेरे को इस स्टेट में भी जाना है, मैं सारे स्टेट्स में होकर आऊंगा और जो भी जगह है यहाँ पर घूमने की है ना मैं ये सारी जगह कवर करूंगा। केदारनाथ से नॉर्थ ईस्ट की जो पूरी राइड होने वाली है ना, ये मेरी जिंदगी की सबसे लंबी राइड है क्योंकि इसमें करीब करीब मैं 10-12 हज़ार किलोमीटर राइड करूंगा और 2 महीने के लिए मैं घर से निकला हूँ भाई, मतलब मैं 22 अप्रैल को घर से निकला हूँ, 2 महीने मतलब पूरा मई पूरा जून मैं बाहर ही रहने वाला हूँ और आप लोगों को ना एक से एक खूबसूरत जगहें दिखाऊंगा, एक से एक खूबसूरत नजारे दिखाऊंगा। अपने केदारनाथ से नॉर्थ ईस्ट की राइड में हमें बहुत सारे राइडर्स भी ज्वाइन करेंगे अलग अलग जगहों पर, तो जैसे जैसे वो मिलते जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा उनके बारे में और जहां भी हम जिनसे भी जैसे भी मिलेंगे वो भी बताऊंगा कि किस द्वारा हम लोगों की बात हुई और कैसे हम लोग मिल रहे हैं, कैसे हम पहली बार मिले, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। हमारा जो पूरा रूट रहने वाला है ना उसका कुछ थोड़ा सा पार्ट में जो मेरे को पता है मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। आज रात मैं हरिद्वार रुकने वाला हूँ और कल मोस्ट प्रोबेबली मैं हरिद्वार से निकल जाऊंगा, अगर कल नहीं निकला तो परसों तक निकल जाऊंगा। यहाँ से जाऊंगा मैं सीधा गोरखपुर, गोरखपुर से देवघर, देवघर से सिलीगुड़ी, मतलब ये वाला मेरा रूट प्लान है जो कि पिछले आगे अगले जो कि अगले 3-4 दिन का रहेगा। सो हम लोग देवप्रयाग पहुंच चुके हैं और सामने जो आपको संगम नजर आ रहा है ना ये है भागीरथी और अलकनंदा का संगम और यहाँ से आगे जो है ना वो गंगा नदी कहलाती है। ये बस यही दिखाने के लिए आप लोगों को रुका था यहाँ, तो फिलहाल आगे की तरफ चलते हैं। कल मैं और निखिल भाई ना हरिद्वार पहुंच गए थे और हरिद्वार पहुंचने के बाद हम लोग निखिल भाई के एक जानकार है उनके वहां जाके रुक गए। अभी शाम का समय हो चुका है, कुछ भी शूट नहीं किया पूरा दिन, करीब शाम के 5 बज रहे हैं, कुछ भी शूट नहीं किया। अभी गंगा नदी के पास आए हैं, गंगा मंदिर पे, हर की बॉडी पे, और यहाँ पर स्नान करके ना फिर गंगा आरती देख के फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी निखिल भाई उधर बैठे हैं, हम लोग डुबकी मारने जा रहे हैं, डुबकी मारेंगे गंगा नदी में, आरती देखेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। चलो चलते हैं गंगा नदी में डुबकी मारने। ये कुछ हमारे भाई लोग मिला जो कि हल्द्वानी घाट के नाम से है, इतवाक से हम यहीं पर डुबकी लगा रहे हैं जहाँ पे ये डुबकी लगा रहे थे। निकले बाहर भाई, कैसे मिलता है हमें भी दिखाओ। टेक्नोलॉजी तगड़ी है यार, ये कौन सी टेक्नोलॉजी लेके घूम रहे हो भाई? कैसे ढूंढने की यार, धर्मेंद्र सीख ले। ये पड़ा अच्छा है ना भाई, वाह क्या था, वाह वेरी गुड, क्या सही है भाई, हाँ वही सही टेक्नोलॉजी है यार, ये ऐसे हम सोना भी निकाल सकते ना। हाँ तो भाई गंगा जी में डुबकी लगा के ना स्नान कर लिया है और अभी आरती होने में थोड़ा सा टाइम है, तो कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, कुछ खा पी के आते हैं, फिर आरती देखेंगे, आरती के दर्शन करेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग। भाई एक रेस्टोरेंट देख कर ना हम लोग बैठ गए यहाँ पर, और जो समोसा नॉर्मली सब जगह 10 का मिलता है ना पूरे हरिद्वार में, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी शॉप की बात कर रहा हूँ, पूरे हरिद्वार में वो 20 रुपये का है, हर चीज़ का डबल रेट है भाई, जो मर्जी चीज़ ले लो हर चीज़ के खाने के डबल रेट है, तो सोच समझ के खाना पड़ा। फिलहाल समोसा खा रहे हैं, आरती का समय हो जाएगा जब तक ये खाएंगे, फिर आरती देखने निकल जाएंगे। निखिल भैया कुछ कहना चाहोगे? निखिल भैया की रेट सुन के बोलती बंद है। सो दोस्तों हम लोग पहुँच गए गंगा आरती देखने के लिए, इस तरफ यहाँ मंदिर है ना तो मंदिर के पास में खड़े हैं बस, और इस तरफ देखो पूरी भीड़ लगी है यहाँ पर, यहाँ ऊपर ही पूरा क्राउडेड हुआ पड़ा है। जैसी आरती शुरू होगी ना आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। प्राणियों का जन्म
यहाँ पे आरती ना अब शुरू हुई है।